हेलो फ्रेंड्स, मैं हेमलता आज आपके सामने सूजी के हलवे की रेसिपी लेके आई हूँ। ये बहुत ही जल्दी बन के तैयार हो जाता है। दानेदार सूजी का हलवा कैसे बनाते हैं आज मैं बताने वाली हूँ। इसके लिए इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत होगी। मैंने आधा कप सूजी ली है, इसके बराबर ही नाप में चीनी ली है, और इसके बाद हलवे को गार्निश करने के लिए मैंने काजू और बादाम लिए हैं, इसको बारीक कतरन कर दी है, और कोकोनट पाउडर लिया है। अगर आप पसंद करते हैं तो इसको ऐड करें, वरना स्किप कर दें। और देसी घी लेंगे, हलवे के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ है देसी घी लेंगे। और इसको बनाना शुरू करते हैं। अब हलवे को सबसे पहले एक तपेले में पानी गर्म कर लेंगे हैं। हलवे को दानेदार बनाने के लिए सबसे ज़रूरी होता है पानी गर्म ही। उबला हुआ पानी डालेंगे। पानी गर्म हो चुका है और अब गैस बंद कर देंगे और इसको पानी को साइड में रख देंगे। अब एक पैन चढ़ाएंगे, इसके अंदर सबसे पहले देसी घी डालेंगे। करीब मैंने 2 टेबल स्पून देसी घी लिया है, और आप इसको कम ज़्यादा भी क्वांटिटी में रख सकते हैं। घी को गर्म होने देंगे अच्छे से, ताकि घी की खुशबू आने लग जाए। घी गर्म होता है तब तक इसके वेट कर लेते हैं। अब धीरे धीरे घी पिघलने लगा है। अब सूजी डाल देंगे, घी के अंदर सूजी को चलाएंगे और इसको सुनहरा होने तक भूनेंगे। सूजी को जब तक भूनेंगे सुनहरा हो जाए और इसमें खुशबू आने लग जाए, और लगातार चलाएंगे ताकि तलवे के अंदर लगे नहीं। सूजी को सुनहरा होने तक भुनना है, और धीरे धीरे अब सूजी सुनहरे होने लग गई है। करीब 4 से 5 मिनट के अंदर सूजी सुनहरी हो जाएगी। सुनहरी हो गई है सूजी। अब इसके अंदर गर्म पानी डालेंगे, धीरे धीरे पानी उतना ही डालेंगे, करीब 2 कप के आसपास, और धीरे धीरे चलाते रहेंगे। धीरे धीरे पानी डालेंगे, और गर्म पानी डालने से सूजी जल्दी फूल जाती है। गरम पानी डालने से सूजी जल्दी फूलती है और हलवा बहुत स्वादिष्ट बनता है। और लगातार पानी डालते जाएंगे और चलाते जाएंगे। जब सूजी पानी सोख ले तब तक चलाते रहेंगे। अब पानी सोख लिया है, अब इसके अंदर शक्कर डाल देंगे और लगातार चलाएंगे ताकि शक्कर पिघल जाए। अब इसके अंदर कोकोनट पाउडर ऐड करेंगे। अब ड्राई फ्रूट डाल देंगे। मैंने काजू और बादाम डाले हैं। आप अगर कुछ और भी ड्राई फ्रूट ऐड करना चाहें तो कर सकते हैं। 1 से 2 मिनट तक लगातार चलाएंगे। हलवा बनके तैयार है। अब ये सर्व करने के लिए तैयार है, गर्मा गर्म हलवा। अब इसको एक बर्तन में निकाल लेंगे। हलवा बहुत ही स्वादिष्ट बना है, खिला खिला बना है, और दिखने में भी बहुत अच्छा लग रहा है। आप इस हलवे को अपने घर पे ज़रूर ट्राई करें, और बहुत जल्दी बनने वाला हलवा है सूजी का। और ये रेसिपी कैसी लगी है आपको? ये रेसिपी अगर अच्छी लगी है तो अपने फैमिली और फ्रेंड्स को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट्स करें, सब्सक्राइब करें चैनल को। फिर मिलेंगे एक सिंपल और नई रेसिपी के साथ। धन्यवाद।